जय हिंद। कैसे हो दोस्तों सभी? दोस्तों ग्राम सचिव के एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको हरियाणा पुलिस और हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम आपको देखने मिलेंगे, तो सबकी तैयारी जो है लगभग कंप्लीट होती है। पर दिक्कत यहाँ आती है दोस्तों, हरियाणा के जो क्वेश्चन होते हैं 20 से जो 22 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके हमको ना दो आंसर देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं और हमको लगता है कहीं कंफ्यूज हो जाता है, मतलब दो ऑप्शन में। जैसे कि एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि वन नगरी किसे कहते हैं। वन नगरी जो है, बच्चा जैसे ही क्वेश्चन आता है तो वो सोचता है कि वन जो है सबसे ज्यादा पंचकुला में है, तो उसको आंसर टिक कर देता है। जबकि दोस्तों वन नगरी जो है वो किसको कहते हैं? सिरसा। इस तरह से जो है ना, मैं आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 140+ ही होंगे, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके है कि आपसे पूछ लिया गया कि शहीदों का घर किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? शहीदों का घर किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? झज्जर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? झज्जर। झज्जर आपका आंसर हो जाएगा। पर पूछ लिया गया कि वीरों की भूमि किसे कहा गया है या वीर भूमि किसे कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? आंसर रेवाड़ी हो जाएगा। समझिए बात, रेवाड़ी आंसर हो जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन ऐसा ही है दोस्तों कि अमर शहीदों का गांव किसे कहा गया है। अमर शहीदों का गांव किसे कहा गया दोस्तों? तो फरीदाबाद में एक जगह है तिगांव। फरीदाबाद में एक जगह है तिगांव। समझिए बात। तीसरा से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कंफ्यूज कर देते हैं जो भी एग्जाम देने जाते हैं हम, ठीक है? समझिए बात। उसी तरह जैसे कि एजुकेशन सिटी जो है ना दोस्तों, एजुकेशन सिटी किसे कहा गया है? एजुकेशन सिटी कहते हैं हम सोनीपत में। सोनीपत में एक जगह है दोस्तों, सोनीपत में कुंडली एक जगह है, इसको हम बोलते हैं एजुकेशन सिटी। वहीं अगर पूछ लिया गया एजुकेशन हब किसे कहा गया है, एजुकेशन हब किसे कहते हैं? रोहतक को। समझ गए बात दोस्तों? रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? उसी तरह क्वेश्चन दोस्तों है कि पांडु पिंडारा तीर्थस्थल, पांडु पिंडारा तीर्थस्थल हरियाणा में कहां पे है? पांडु पिंडारा तीर्थस्थल जो है दोस्तों हरियाणा में जींद में, कहां पे है? जींद में। क्या आंसर हो जाएगा? जींद। पर उसी तरह पूछ लिया गया ना कि पांडु तीर्थस्थल कहां पे है? पांडु, तो आपका आंसर होगा दोस्तों भिवानी। भिवानी में तोसाम, भिवानी में तोसाम जो जगह है उसको हम पांडु तीर्थस्थल के नाम से जानते हैं वहां पे, ठीक है? समझ रहे हो बात पे? उसी तरह एक इसी से रिलेटेड जैसे एक पूछ लिया जाता है पुंडरित पुंडरिक 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 पूछ लिया गया पुंडरिक सरोवर कहां पे है? पुंडरिक सरोवर जो है ये कहां पे है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कैथल। आंसर क्या हो जाएगा? कैथल। तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों, एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये, तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको जरूर आप एक बार पढ़ के जाना, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? उसके बाद पूछ लिया गया आपसे कि स्लेट पत्थर कहां पाया जाता है, हरियाणा में स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो हरियाणा में स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पाया जाता है। हरियाणा में स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है दोस्तों? रेवाड़ी में। वहीं आपसे पूछ लिया गया चूना पत्थर कहां पाया जाता है, हरियाणा में चूना पत्थर कहां पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रोहतक। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रोहतक। समझिए बात, कोई दिक्कत? जो भी आपका पॉइंट छूट जाए आप वीडियो को रोक रोक के देखना, आपको जो मैं बता रहा हूं आप सुन भी लेना, कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हो तो कान में लीड ला के मेरी बातें सुन लेना, तो आपको समझ आ जाएगी सारी बातें, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? समझिए बात। उसी तरह चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में? तो आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा किस जिले में है? क्या आंसर होगा दोस्तों? पंचकुला। वहीं अगर कहीं आपसे पूछ लिया गया चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहां पे है, चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहां है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरुग्राम। तो समझ लो एक ही बंदे से कई जगह अलग अलग चीजें हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बस वीडियो को आप सुनते जाना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली, ठीक है? उसके बाद राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहां पे हरियाणा में? तो आप बताओ कि करनाल में। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? करनाल। वहीं आपसे पूछ लिया गया कि केंद्रीय भैंस अनुसंस्थान संस्थान कहां पे, केंद्रीय भैंस, भैंस से रिलेटेड आ गया, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? हिसार। हिसार में आपको पता ही है, ठीक है? समझ के बात। उसी तरह पूछ लिया गया कि कांच मिट्टी हरियाणा किस जिले में पाई जाती है, कांच मिट्टी हरियाणा में कांच मिट्टी कहां पाई जाती है? क्या आंसर दे दोगे? फरीदाबाद। कांच मिट्टी कहां पाई जाती है दोस्तों? फरीदाबाद। वहीं कहीं पूछ लिया गया आपसे बालू कांच मिट्टी कहां पाई जाती है, हरियाणा में बालू कांच मिट्टी कहां पाई जाती है?
तो आपका आंसर एकदम से चेंज हो जाएगा दोस्तों, गुरुग्राम आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर हो जाएगा? गुरुग्राम। तो देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, हरियाणा का छोटा काशी किसे कहा गया? हरियाणा का छोटा काशी किसे कहा गया दोस्तों? हरियाणा का छोटा काशी किसे कहा गया? तो दो जिले हैं दोस्तों, एक है मंदिरों के कारण, मंदिरों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका भिवानी। क्या आंसर होगा? भिवानी। वही पूछ लिया गया कि नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैथल। समझ गए बात? होगी बात क्लियर? उसी तरह औद्योगिक नगरी किसे कहा गया दोस्तों? हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे कहा गया है? तो आंसर क्या होगा आपका? फरीदाबाद। आंसर क्या होगा? फरीदाबाद। वहीं पूछ लिया गया उद्योग विहार कहां पे है, हरियाणा में उद्योग विहार कहां पे है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों गुरुग्राम। एकदम से आंसर चेंज हो जाएगा आपका, इस तरह से क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। तो आपको डरना नहीं है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछ लिया गया कि बताइए शुगर सिटी किसे कहा गया? तो शुगर सिटी दोस्तों रोहतक को भी कहते हैं और पलवल को भी कहते हैं। रोहतक और पलवल को दोनों को मिला के हम शुगर सिटी कहते हैं। ठीक है, पर आपसे पूछ लिया गया शुगर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? शुगर जो है सबसे ज्यादा कहां होता है? तो यमुनानगर में। क्या आंसर होगा दोस्तों? यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। गन्ना कहां होता है हरियाणा में सबसे ज्यादा? तो आपका आंसर क्या होगा? गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है? यमुनानगर। ठीक है, उसी तरह पूछ लिया गया भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में? तो आंसर क्या दे दोगे दोस्तों? पंचकुला। आग बंद करके आंसर दे दोगे? पंचकुला। पंचकुला में कहां पे? पिंजौर में। उसी तरह पूछ लिया गया भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पे है? भीमेश्वरी देवी का मंदिर, भीमेश्वरी मंदिर कहां पे है? भीमेश्वरी देवी का मंदिर तो हरियाणा के जो पहले सीएम थे भगवत पंडित भगवत दयाल शर्मा, वहां के रहने वाले थे दोस्तों, बेरी के। आपको पता ही है बेरी कहां पे है? झज्जर में है, इसको बोला जाता है यहां पे है जो बेरी है ना दोस्तों। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां पे है, किस गांव में है? तो बेरी में। हरियाणा में सबसे मंदिर किस गांव में है? तो बेरी गांव में। सब जिला पूछ लिया गया तो आंसर हो जाएगा आपका भिवानी। ठीक है, समझ गए बात? उसी तरह पूछ लिया गया दिगेश्वर जैन मंदिर कहां पे है? हरियाणा में दिगंबर, ये आपका है दिगंबर, दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में कहां पे है? दिगंबर जैन मंदिर कहां पे है दोस्तों, जल्दी बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में है, हिसार में। कहां है दोस्तों? हिसार में। समझ पा रहे हो बात मेरी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका पूछेंगे यमुना, ये आपका सूरजकुंड मंदिर कहां पे है? सूरजकुंड मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में है। सूरजकुंड मंदिर कहां पे है दोस्तों? हरियाणा के यमुनानगर में। पर पूछ लिया गया सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां है हरियाणा में? तो अंबाला आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो आंसर होगा अंबाला। मंदिर पूछे सूरजकुंड मंदिर कहां पे है? तो आंसर होगा यमुनानगर। गुरुद्वारा पूछे सूरजकुंड कहां पे है? तो अंबाला में होगा। वहीं पूछे सूरजकुंड का मेला कहां लगता है? तो आपका आंसर सबको पता ही है, फरीदाबाद। ठीक है, होगी बात क्लियर? उसके बाद आगे बढ़े, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि पूछा गया आपसे तिल्ली वाले जूते, तिल्ली वाले जूते हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? तिल्ली वाले जूते, तो क्या आंसर दे दोगे आप? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तिल्ली वाले जूते हरियाणा में रेवाड़ी में, रेवाड़ी में तिल्ली वाले जूते के लिए फेमस है, और चमड़े के जूते भी काफी सारे फेमस है कहां के? रेवाड़ी के। और वहीं पूछ लिया गया आपसे कि लिबर्टी जूते, लिबर्टी के जूते के लिए कौन सा जिला फेमस है? लिबर्टी जूते के लिए फेमस है दोस्तों आपको करनाल, आपका करनाल जो है इसको शू सिटी भी बोला जाता है। उसी तरह पूछ लिया गया बाटा के जूते के लिए कौन फेमस है? तो आंसर होगा फरीदाबाद। तो देखिए दोस्तों लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम में डाउट है हो सकता है, तो सारे डाउट इस वीडियो में दूर हो जाएंगे आपके, जो भी दो या तीन जिसके क्वेश्चन एक जैसे होते हैं वो सारी बात हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब याद रखना लाल मस्जिद हरियाणा में ना, लाल मस्जिद एक रेवाड़ी में है, लाल मस्जिद जो है एक रेवाड़ी में है, एक रोहतक में दोस्तों। तो याद रखना जो रोहतक वाली रेवाड़ी वाली है ना, रेवाड़ी में जो लाल मस्जिद है ये अकबर कालीन है, अकबर के समय बनाई गई थी रेवाड़ी में लाल मस्जिद। पर पूछ लिया गया रोहतक की जो लाल मस्जिद है इसको किसने बनाया था? तो आसिक अली ने, हाजी आसिक अली ने इसको बनवाया था रोहतक में लाल मस्जिद। बात क्लियर है? ठीक है, होगी बात क्लियर? अब शहर भी है कुछ, जैसे टोहाना एक गोहाना है, तो टोहाना पूछते हैं टोहाना हरियाणा किस जिले में है? तो टोहाना आपको पता है फतेहाबाद में है। टोहाना कहा है दोस्तों? फतेहाबाद में। गोहाना कहां पे है? गोहाना,
तो गोहाना है आपका सोनीपत में, समझ गए बात दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहां पे है? रेड रोबिन पर्यटन स्थल हरियाणा किस जिले में है? क्या आंसर दोगे? तो आंसर हो जाने वाला आपका पंचकुला। क्या आंसर हो दोस्तों? पंचकुला। उसी तरह रेड बिशप पर्यटन स्थल पूछ लिया गया, रेड बिशप पर्यटन स्थल हरियाणा किस जिले में, जल्दी से बताओ दोस्तों आंसर। रेड बिशप पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो आपका आंसर होगा पंचकुला। सॉरी, पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, रेड रोबिन पर्यटन स्थल जो है हिसार में, कहां पे दोस्तों? ये सॉरी भिवानी में। रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहां पे दोस्तों? भिवानी में है। पर पूछ लिया गया रेड बिशप पर्यटन स्थल कहां पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पंचकुला। दोबारा बता देता हूं, रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहां पे हरियाणा में? तो भिवानी में है। कहां है दोस्तों? भिवानी में। रेड बिशप पूछ लिया गया ये पर्यटन स्थल कहां पे हरियाणा में, तो क्या आंसर दे दोगे दोस्तों आप? पंचकुला। ठीक है, समझ गए बात। पूछे थे करण झील कहां पे, हरियाणा में करण झील कहां पे है? तो सबको पता है करण झील करनाल में है। कहां है दोस्तों करण झील? करनाल में। सबको पता है करनाल जो है करण का शहर था, करनाल। वहीं कहीं आपसे पूछ लिया गया कि करण का टीला कहां पे है, करण का टीला कहां पे है, क्या आंसर होगा आपको दोस्तों? तो आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। समझ पा रहे हो बात? करण का टीला कहां पे है हरियाणा में? कुरुक्षेत्र में। गऊ करण का तालाब कहां पे है? गऊ करण का तालाब हरियाणा किस जिले में है? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? रोहतक। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, होगी बात क्लियर यहां तक। अब बात की जाए ब्लैक बर्ड, आपका कहीं पे भी ना ब्लैक से रिलेटेड आगे ब्लैक बर्ड, या पूछ लिया गया ब्लू बर्ड, ये दोनों ही आपसे पूछ लिया गया। ब्लैक बर्ड झील कहां पे है और ब्लू बर्ड झील कहां पे है? दोनों हिसार में ही है। कई बार ब्लैक वाले को पूछ लेते हैं हिसार में कहां पे, तो हस्सी में। ब्लैक बर्ड जो झील है कहां पे? हस्सी में। और ब्लू बर्ड हिसार में, दोनों ही याद रखना हिसार में है। ठीक है, पर पूछ लिया गया ब्लैक जे पर्यटन स्थल कहां पे है? ब्लैक जे पर्यटन स्थल कहां पे है? तो ये समालखा पानीपत में दोस्तों। कहां पे? समालखा पानीपत। समझ गए बात? हरियाणा में फुटवेयर उद्योग कहां पे, जल्दी से बताओ। हरियाणा में फुटवेयर उद्योग कहां पे है? तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए। हरियाणा में फुटवेयर जो है ये कहां पे है? फुटवेयर केंद्र कहां पे, फुटवेयर उद्योग केंद्र कहां पे है? तो आपका आंसर होगा बहादुरगढ़ झज्जर। बहादुरगढ़ कहां पे दोस्तों? झज्जर में। सैनिटरी सिटी भी किसे बोला जाता है? बहादुरगढ़ झज्जर, उसमें बहादुरगढ़ को बोला जाता है। सैनिटरी उद्योग बहुत ज्यादा यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, वही पूछ लिया गया फुटवेयर पार्क कहां पे है? फुटवेयर पार्क हरियाणा के किस जिले में है? फुटवेयर पार्क हरियाणा किस जिले में, जल्दी से बताइए। तो सोनीपत आंसर आ जाएगा। क्या दोस्तों? खरखुद्दा सोनीपत, खरखुद्दा सोनीपत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे, पंडित भगवत दयाल जो शर्मा थे, उनका संबंध कहां से है? पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के बेरी जिले से है। बार बार बता रहा हूं, बेरी झज्जर से है, बेरी झज्जर जिले से है। वहीं पूछ लिया गया पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय कहां पे है? तो आंसर होगा आपका रोहतक। क्या आंसर होगा दोस्तों? रोहतक। समझ गए बात? पूछ लिया गया पित्तल नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? हरियाणा की पित्तल नगरी कौन सी है? हरियाणा की पित्तल नगरी कौन सी है दोस्तों? पित्तल नगरी। तो क्या आंसर होगा? पित्तल नगरी जो है रेवाड़ी, ब्रॉन्ज सिटी जिसको कहते हैं। ब्रॉन्ज सिटी कौन सी है? तो रेवाड़ी। पर पूछ लिया गया बर्तन सिटी, बर्तन नगरी कौन सी है हरियाणा की? तो आपका आंसर होगा यमुनानगर में जगाधरी। यमुनानगर जगाधरी को आपको बताया जुड़वा शहर भी कहा जाता है हरियाणा में। समझ गए, होगी बात क्लियर। अब पूछा जाए आपसे सबसे ज्यादा वन कहां पे, मैंने बताया था आपको पंचकुला में है। पर वन नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को। वन नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? सिरसा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेनी है, जो भी करना आपको एग्जाम तक याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो वीडियो जो है अंत तक देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, पीक कहेंगे हम, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कहते हैं जिसको, पीक, पीक को बोलते हैं चोटी। तो आपको पता है करो, आंसर क्या होगा दोस्तों? करो।
पंचकुला में आपसे पूछ लिया गया शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो करो। वही पूछ लिया गया कि अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कुल ताजपुर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अरावली में सबसे ऊंचा चोटी है और ये शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, समझ गए। और मैंने आपको कोटन सिटी शुरू में बता दी थी, कोटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को, पर कोटन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आंसर क्या देते होगे आप, सिरसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर शाह की मजार कहां पे हरियाणा, बताओ मीर शाह की मजार हरियाणा कौन से जिले में, तो आंसर होगा आपका फतेहाबाद। क्या आंसर होगा दोस्तों, फतेहाबाद। अब यहां जुड़ गया ना मीर साहब जुड़ गया ना, मीर साहब की मजार बताओ कहां है, मीर साहब की मजार हरियाणा में कहां पे है, तो हिसार में है, हिसार में कहां पे है, हांसी में, ये फतेहाबाद में, ये हिसार में, देखो कितना अंतर है, साहा यहां साहा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी दिक्कत देते हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत आराम से एग्जाम में इसको सोल्व करना है। आगे बढ़े, चौधरी छोटू राम का जन्म जो है कहां हुआ था दोस्तों, चौधरी छोटू राम का संबंध हरियाणा किस जिले से, तो सबको पता है रोहतक गढ़ी सांपला, जिसका नाम बदल भी गया उनके नाम से रख दिया गया है नाम, तो गढ़ी सांपला रोहतक। पर पूछ लिया गया चौधरी छोटू राम विश्वविद्यालय कहां पे है, चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी हरियाणा किस जिले में है, क्या आंसर होगा दोस्तों, तो सोनीपत, सोनीपत में कहां, मुरथल, बहुत फेमस जगह आपको बताइए मुरथल। ठीक है, सुखदेव ढाबा वहां का फेमस है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी एग्जाम में दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और सोल्व करना है। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछ लिया गया चौधरी छोटू राम विद्युत जो है ना तापीय जो षड्यंत्र है वहां पे, चौधरी छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा किस जिले में, तो आंसर होगा आपका यमुनानगर में, कहां पे दोस्तों, यमुनानगर में, समझ गए बात, यमुनानगर में है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा गया है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, कैथल। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा गया है, तो आंसर क्या दोगे, कैथल। वहीं पूछ लिया गया सबसे ज्यादा गुरुद्वारे है कहां पे, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, अंबाला। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कौन से जिले में है, अंबाला में, पर गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं, कैथल को। समझ आ रही बात, होगी बात यहां तक। आगे बढ़े, गन्ना हरियाणा में सबसे ज्यादा, मैंने पहले बताया था गन्ना सबसे ज्यादा कहां होता है, यमुनानगर में। ठीक है, यहाँ शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल पूछ लेते हैं हरियाणा के जिले में, तो आपको पता है यमुनानगर में। वही पूछ लिया गया कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, गन्ना प्रजनन केंद्र है दोस्तों करनाल में, कहाँ पे, करनाल में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जाम में कर लेना है दोस्तों। आगे बढ़े, माता मसानी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, माता मसानी का मेला कहाँ लगता है, क्या आंसर होगा, माता मसानी का मेला कहाँ लगता है, महेंद्रगढ़ में। माता मसानी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, महेंद्रगढ़ में। वही पूछ लिया गया मसानी, उल्टा कर दिया इसको, मसानी माता का मेला कहाँ लगता है, मसानी माता जो है उनको शीतला माता कहते हैं, आप तो बता दोगे, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, गुरुग्राम में। समझ गए बात, माता मसानी तो महेंद्रगढ़, मसानी माता जिनको हम शीतला माता कहते हैं, आंसर होगा गुरुग्राम। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो धान का कटोरा जो दोस्तों करनाल को कहा जाता है, बताइए आपको, करनाल को भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र को भी कहते हैं, कैथल को भी कहते हैं और जींद को भी कहते हैं, इस चारों को मिला के ये जो एरिया है ना यहाँ बहुत ज्यादा धान होते हैं दोस्तों। ठीक है, कैथल में तो धान की सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती है, पूछ लिया गया धान की सबसे ज्यादा किस्में कहाँ होती है, तो कैथल में। पहली प्रेफरेंस आप करनाल को दोगे दोस्तों, धान का कटोरा में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, करनाल को। वहीं पूछ लिया गया कि गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, तो आंसर होगा आपका सिरसा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, सिरसा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो दिक्कत ना लेना, ऑप्शन देखना किस हिसाब से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, कि पूछा जाए आपसे, देखो गेहूं मतलब धान हो गया, गेहूं हो गया, बस पूछ लेते हैं कि गेहूं, आपसे गेहूं से क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताइए गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पे, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पे है, तो करनाल में है, जबकि गेहूं सबसे ज्यादा कहां होती है दोस्तों, सिरसा में, कहां होती है, सिरसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला का संबंध हरियाणा किस जिले से है, कल्पना चावला का संबंध हरियाणा किस जिले से, क्या आंसर होगा दोस्तों, तो आंसर होगा आपका
बताओ जल्दी से, करनाल। आंसर क्या होगा दोस्तों, करनाल। वहीं पूछा जाए कि कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा किस जिले में, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। क्या आंसर होगा, कुरुक्षेत्र। समझ गए, आगे बढ़े। ओपी जिंदल का संबंध कौन से जिले से है दोस्तों, ओपी जिंदल जो है इनका संबंध हरियाणा किस जिले से है, जिनको स्टील किंग भी कहा जाता है, स्टील किंग। बताओ जल्दी से, इनकी जो वाइफ है कथकली डांस की काफी फेमस आर्टिस्ट है, तो बताइए, हिसार जिले से। ठीक है, हिसार जिले से। उसके बाद पूछ लिया गया कि ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पे है, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहां पे हरियाणा में, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका सोनीपत। क्या आंसर होगा, सोनीपत। आगे बढ़े तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अच्छे से एग्जाम में क्लियर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। महाराजा अग्रसेन का मेला हरियाणा कहाँ लगता है, हरियाणा में अग्रवाल एक कास्ट है बनियाओं में, ये अपना जो है ना पूर्वज जो है ना, अपना जो जन्म स्थान है, जो इनका अपने पूर्वज कहां से मानते हैं, अग्रोहा से मानते हैं। कहां से, अग्रोहा, अग्रोहा कहां पे, हिसार में। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन का मेला कहां लगता है, तो अग्रोहा में, हिसार में। वही पूछ लिया गया महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहां पे है, तो लाहली एक जगह है रोहतक में, लाहली एक जगह है कहां पे, रोहतक में, वहां पे राजा अग्रसेन क्या है, खेल स्टेडियम है। मेडिकल कॉलेज पूछ ले कि अग्रवा, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पे है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी से, हिसार। आंसर क्या हो जाएगा, हिसार। ठीक है, आगे बढ़े। पूछा जाए चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो आंसर क्या होगा, भिवानी से। आंसर क्या होगा, भिवानी से। वही पूछ लिया गया चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम कहां पे है, तो आंसर होगा आपका रोहतक। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहतक। आगे बढ़े, चौधरी देवीलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से, बताओ चौधरी देवीलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से है, तो आंसर क्या होगा, सिरसा। सिरसा चौटाला, ठीक है, चौटाला गढ़ है, चौटाला जो गांव है कहां, सिरसा में है, तो याद रखना देवीलाल जी जो है उनका संबंध कहां पे है, कहां से है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिरसा से। वहीं पूछ लिया गया चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहां पे है, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम जो है कहां पे है, तो पंचकुला में दोस्तों, पंचकुला। वहीं पूछ लिया गया चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा कौन से जिले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचकुला। समझ गए आप, देवीलाल का संबंध कौन से जिले से, सिरसा से। चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहां पे है, पंचकुला में। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पे है, यमुनानगर में। समझ आ रही है बात दोस्तों मेरी, ठीक है, आगे बढ़े। साइकिल सिटी, साइकिल सिटी किसे कहा गया है, बताओ जल्दी से, साइकिल सिटी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों, सोनीपत। क्या आंसर होगा, सोनीपत। सोनीपत आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों, सोनीपत। आंसर होगा आपका सोनीपत। पर पूछ लिया गया मोटरसाइकिल हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां बनती है मोटरसाइकिल, बुलेट जो है, बुलेट भी बनती है वहां पे, तो आंसर क्या होगा आपका, फरीदाबाद। वही पूछ लिया गया कहीं आपसे कि ये बताइए हीरो होंडा जो है ना, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल इनका प्लांट कहां पे है, तो आपको बताया धारू हेरा एक जगह है रेवाड़ी में, रेवाड़ी याद रखना। यह है हीरो होंडा के लिए फेमस, यह साइकिल के लिए फेमस, ये मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिलों के लिए फेमस कौन सा है, फरीदाबाद जिला। ठीक है, होगी बात क्लियर यहां तक। आगे बढ़े दोस्तों, अरावली गोल्फ, अरावली गोल्फ मैदान कहां पे, बताओ जल्दी से, अरावली गोल्फ मैदान कहां पे दोस्तों, तो फरीदाबाद में। अरावली गोल्फ मैदान कहां पे है, फरीदाबाद में। वहीं पूछ लिया गया कंट्री क्लब गोल्फ, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहां कराया जाता है हरियाणा में, तो नूह में, नूह मतलब मेवाड़, मेवाड़। समझ गए दोस्तों, बस यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों में, और लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, नहीं तो आप वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए, इसी में ही आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहां पे है दोस्तों, हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहां पे है, तो ये हिसार में है। कहां पे दोस्तों, हिसार में। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहां पे है, हिसार में। वहीं पूछ लिया गया दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहां पे है, दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहां पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नूह। नूह कहां, नूह हम जो है मेवाड़ को बोलते हैं, सत्य में पुरन भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ गया यहां तक हो गया, समझिए आगे बढ़ते हैं। आम सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां होते हैं, बताओ, आम सबसे ज्यादा हरियाणा में होते हैं अंबाला में। आम सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां होते हैं दोस्तों, अंबाला में। वहीं पूछ लिया गया
कि आमों का मेला कहाँ लगता है हरियाणा में? आमों का मेला कहाँ लगता है, जल्दी बताओ, पिंजौर पंचकुला में। कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला। बात क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते, आगे करते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, बताओ जल्दी। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा किस जिले में है? तो भिवानी आंसर होगा। क्या होगा? भिवानी आंसर होगा। वहीं पूछ लिया गया मयूर और चिंकारा, मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो आंसर क्या होगा आपका? रेवाड़ी। क्या आंसर होगा दोस्तों? रेवाड़ी। ठीक है। मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा किस जिले में है? मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में अंबाला में है दोस्तों। कहाँ पे? अंबाला में। वही पूछ लिया गया श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में केथल में है दोस्तों। कहाँ पे? केथल में। एक और इससे रिलेटेड आ जाता है गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे? गुरुद्वारा मंजी साहिब दोस्तों ये रोहतक में है। शुरू से बताता हूँ, मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है, गुरु मंजी साहिब जो है, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? अंबाला में। श्री जुड़ गया बस, तो ये केथल में हो गया। वही पूछ लिया गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? तो रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। होगी बात क्लियर? आगे बढ़े। सीता माता का मंदिर हरियाणा किस जिले में, बताओ? सीता माता का मंदिर हरियाणा किस जिले में है? क्या आंसर दोगे दोस्तों? तो सीता माता का मंदिर हरियाणा में जो है कहाँ पे? करनाल में। क्या आंसर होगा दोस्तों? करनाल। वही सती का पूछ लिया गया कि भाई हरियाणा में सती का स्थान कौन सा है? सती का स्थान कौन सा है? तो पलवल में होडल, पलवल में होडल जो है वह है सती का स्थान, सती का स्थान। ठीक है। दादी सती का मंदिर कहाँ पे है, बताओ? दादी सती का मंदिर हरियाणा किस जिले में है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? सिरसा। क्या आंसर होगा? सिरसा। शुरू से बताता हूँ, सती जो है, सती का मंदिर कहाँ पे है? सॉरी, सीता माता का मंदिर कहाँ पे है? तो आपका आंसर होगा करनाल। सती का पूछ लिया गया सती का स्थल कौन सा है, तो होटल पलवल। दादी सती का मंदिर कहाँ पे है? तो हरियाणा में सिरसा में। ठीक है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पे है? बाबा कमली वाले का डेरा हरियाणा किस जिले में है? तो आंसर है आपका कुरुक्षेत्र। वही काली माता का मंदिर पूछ लिया गया कि काली माता का मंदिर, काली देवी का माता मेला कहाँ लगता है, बताओ जल्दी से। काली देवी का मेला हरियाणा किस जिले में लगता है? तो हिसार में। क्या आंसर होगा दोस्तों? हिसार। तो देखो कितने एक जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, काफी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से वीडियो को देखना लास्ट तक। ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखते थे, हरियाणा की जो पहली मूवी थी दोस्तों, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो 1968 में धरती। अगर ये ऑप्शन में ना होना दोस्तों तो क्या आंसर होगा, मतलब 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये 1970 बनी थी। दोनों में से ऑप्शन में अगर दोनों है तो धरती आंसर होगा, हरफूल जाट भी हो सकता है अगर ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, वो 1970 में आई थी, 68 में आई थी। हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो बहुरानी। हरियाणा की पहली सफल मूवी कौन सी थी? तो बहुरानी थी, 1983 में बनी थी, 1983 में। पूछ लिया गया हरियाणा की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा सफलतम मूवी कौन सी थी? तो चंद्रवाल। पहली मूवी धरती, पहली सफल मूवी बहुरानी, सबसे सफलतम मूवी कौन सी थी? तो चंद्रवाल, 1984 में बनी थी। ठीक है, समझ गए बात दोस्तों? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण कहां पे? राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा किस जिले में? तो आंसर होगा आपका रेवाड़ी। क्या आंसर होगा? रेवाड़ी। वही पूछ लिया गया राजा नाहर सिंह जो है ना, ये खेल स्टेडियम कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में। नाहर सिंह जो है ना, इनका संबंधी कहाँ से था? फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से था, जिसका नाम बलरामपुर रख दिया गया है, जिनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में फांसी दे दी थी दोस्तों। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। हरियाणा का कालिदास, बताओ हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगर दो चीजें होती हैं याद रखना, एक इसमें आ जाए ना, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा गया? हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा गया है? तो दीपचंद बहमन को। दीप